I think the entire Sapura jo Hindustan looks forward to Dabu's calendar. And I think every actor also wants to be on Dabu Ratnani's calendar. Because it's 12 months, so 12 very beautiful photos. So I'm always excited, you know, this is very nice. You know, I have an association with Dabu just recently, because we both shot a Manyavar calendar together. So he's amazing, his wife's amazing, and just happy to be here today. ये बताएं कि आपकी विश लिस्ट में भी डब्बू रत्नानी होंगे जिस तरह से हर साल का 100% विदाउट डिनाइंग एनी फैक्ट्स आई थिंक लाइक आई सेड यू हर एक्टर का एक सपना होता है टू बी ऑन डब्बू रत्नानी कैलेंडर एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर यू आई वांट टू बी ऑन हिज कैलेंडर फॉर श्योर सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया आपको अगर पूछा जाए मुझे कियारा आडवाणी का बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली जॉन अब्राहम का बहुत अच्छा लगा बिकॉज दैट्स अ वेरी कूल शॉट ऑफ हिम यू नो जंपिंग ओवर बिल्डिंग्स आई थिंक कियारा इज लुकिंग लवली इन दैट पिक्चर Even Karthik Aryan, I liked his shot. Very cool, very bedhead. So it's fun. It's nice. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you. Hina और प्रियांग ABP News पे बहुत बहुत स्वागत है दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप लोग डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पे आए हो तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इस हसीन शाम के बारे में हसीन शाम आई थिंक शाम तभी बहुत खूबसूरत होती है जब बहुत सारे सितारे दिखें आपको तो इसीलिए हम यहाँ पर हैं इनफैक्ट हमसे भी बहुत बड़े बड़े सितारे हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे यू माइट हैव मेट सम एंड सम आर येट टू कम अभी तो पार्टी शुरू हुई है काइंड ऑफ सो ऑल दैट इज हैपनिंग और डब्बू रत्नानी का 20th ईयर है ऑफ इस कैलेंडर लॉन्च एंड We are very happy to be here. We get to see some amazing stuff, some amazing pictures he's taken. So, बहुत मजा आ रहा है. I'm just loving all the pictures he's taken, and of course, all the pretty faces in the pictures. They're looking gorgeous, amazing, hot. Priyanka, आप क्या कुछ कहना? मैं ये कहना चाहूँगा, first of all, congratulations on the 20th calendar for the Dabbu sir. I've worked with him last month, and I know. How much he puts, वो कितनी जान लगाते हैं और कितने मेहनत करते हैं एक शॉट के लिए भी तो ये शॉट्स के पीछे अगर मैं देखूँ तो बहुत बहुत मेहनत है उनकी एंड हैट्स ऑफ टू यू सर आप हमेशा जब भी किसी चीज़ के लिए आते हैं कुछ नया क्रिएटिव लेकर आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं सो यू नो स्टेइंग देयर सिंस लास्ट दिस 20th सीजन ऑल्सो इट्स अमेजिंग एंड जैसा इन्होंने बोला यहाँ पे और भी सितारे हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है एंड वी आर एंजॉइंग द नाइट लोगों की बकेट लिस्ट में भी डब्बू रत्नानी होंगे डब्बू रत्नानी का कैलेंडर होगा बकेट लिस्ट में है ऑफ कोर्स ही इज सच अ वेल नोन फोटोग्राफर एंड सो गुड इन हिज वर्क सो हु डजंट वांट टू गेट शॉट बाय हिम सो आई डेफिनेटली वुड वांट टू इंशाल्लाह समडे सून एंड यू ही हैज ऑलरेडी गॉट द प्रिविलेज आई हैव गॉट द प्रिविलेज व्हाई नॉट फॉर द कैलेंडर बट ओवर हियर डेफिनेटली यस सो या लेट्स सी चलिए अब आप दोनों की दोस्ती के बारे में पूछना चाहूंगा कि आप लोग साथ में कम नजर आते हैं यहाँ पर साथ में नजर आए क्या कुछ बताना चाहेंगे क्या कुछ बिल्कुल नहीं है कि हम साथ में कम हम बहुत मिलते हैं बट इट्स जस्ट दैट वी डोंट पब्लिकली हमारी अपीयरेंसेस ज्यादा नहीं होती हैं आज आई थिंक आफ्टर अ ईयर वी मेड अ पब्लिक अपीयरेंस टुगेदर एंड साथ एंड वी आर वेरी हैप्पी वेरी एक्साइटेड हम गाड़ी में भी ये चीज डिस्कस कर रहे थे सो वी आर हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी के हम प्लान्स बनाते हैं हमेशा मिलते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ अलग होती है बट यस पब्लिकली सो पब्लिकली इवेंट्स में आना तो यू नो इट्स एक्चुअली वी नेवर थॉट अबाउट इट बट यस डेफिनेटली वी आर इट्स अ मोमेंट फॉर अस इट्स अ मेमोरी फॉर अस जो हम भी याद रखेंगे हम पहली बार कब पब्लिकली किसी इवेंट पे आते सो यू नो इट्स एंड वी मेक श्योर कि हम और ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस साथ में करें विल डू दैट आई हैव सडनली रियलाइज दैट पीपल रियली लाइक अस और बहुत मजा आता है बिकॉज वी बीन वेरी क्लोज इन बिग बॉस इन एवरी थिक एंड थिन सो इट्स लाइक पटीज टुगेदर पीपल रियली दैट्स अ गुड साइड फॉर पीपल सबसे अच्छी बात हीरा खान की क्या लगती है आपको इसकी बहुत पॉजिटिव है और बहुत बहुत जब भी नेगेटिविटी अगर होती भी मेरे आसपास होती तो मुझे कहती प्री इग्नोर कर तो यू नो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हर दैट शी इज सो पॉजिटिव इन लाइफ एंड कभी मुझे भी कुछ पूछना होता ना यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ना तो अगेन शी इज ऑलवेज देयर मैं चाहे 2 बजे फोन करूँ 1 बजे फोन करूँ रात के 12 बजे रो एंड और बोथ ऑफ देम हमेशा दे आर स्टैंडिंग फॉर देयर फ्रेंड्स बोथ ऑफ देम सो एंड स्पेशली दिस गर्ल सो आई लव हर एंड हाउ प्रियांक के बारे में सबसे अच्छी बात आई थिंक मैं सेम चीज बोलूंगी अबाउट प्रियांक द ओनली थिंग विच आई ऑलवेज हर्ड ऑपोजिट अबाउट हिम फ्रॉम पीपल बट जब मैं इससे मिली एंड द ओनली थिंग विच अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स हिम इज एज अ फ्रेंड
ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अलग है अपने पर्सनल लाइफ में. और ये ही नेवर टॉक्स अबाउट एनीथिंग, ही जस्ट टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ हिज लाइफ, सो दैट्स द बेस्ट थिंग. सो आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है एक इंसान के बारे में, एंड यस ही इज अ ट्रू फ्रेंड. जाते जाते आप दोनों को एक दूसरे के ड्रेसिंग स्टाइल पे कुछ कहना है तो क्या कहेंगे आप? एक मिनट, पहले मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोलूँ इनके ड्रेसिंग के बारे में. तो हम बिग बॉस से बोलते आए हैं सारे के सारे, और उसके बाद भी इन्होंने जो पसोना चेंज किया है अपना, आप देख ही सकते हैं. कभी ये कुमोलिका बन जाती है, फिर यहाँ पे ये इधर देखिए किस अवतार में आई है. सो यू नो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिना सांघिया, इज दैट आप लोग एक्चुअली में उनको हर एक अवतार में देख चुके हैं, और आगे भी देखेंगे. मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको इस चीज के लिए. और प्रियांक के बारे में, गाड़ी प्रियांक के बारे में क्या, गाड़ी वाली बातें गाड़ी में रहने दे. इसी के बारे में क्या कहेंगी? ही ऑलवेज लुक्स हॉट, ये अपने जिम वेयर में भी हॉट लगता है, और मैं उसको हमेशा बोलती हूँ. और अभी तो डेफिनेटली जब मैंने इसे पहली बार देखा, व्हेन आई वाज आई केम इन हिज कार, ही पिक मी अप टुडे, सो आई टोल्ड हिम बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज़ से. थैंक यू सो मच. विजुअल स्टैंडिंग चलिए आपके दोस्त मिले हैं इस खास मौके पर, आप वाइफ के साथ आए, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस माहौल के बारे में, दोस्तों के बारे में? माहौल तो बहुत ही हमारा पुराना माहौल है, लेकिन बहुत अच्छी बात ये लगी कि नए दोस्त मिले हैं पुराने माहौल में. तो अब डीजे एंड मी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल्दो जब केवी घर के अंदर थे तो हम बहुत बात करते थे, मैं और डीजे. It was a secret, but let me tell you guys now. Me and TJ used to talk a lot to each other. और अपना ये बात ये हमें कभी नहीं कहते थे जब घर में आते थे, हम पूछते रहते थे एकदम, मतलब लिटरली बाहर की कोई न्यूज मिलनी, एक थोड़ी सी मिल जाती है, मगर कुछ नहीं मिलता था. ये अच्छी बात लगी मुझे कि बाहर के लोग दोस्त बन गए. एंड बहुत बात करते थे, बट नाउ फाइनली वी मीट टुडे. आपने अभी रिसेंटली देखा होगा केवी और मैं बाहर भी गए थे कहीं, बट टीजे कुड नॉट मेक इट, शी वाज अनवेल, एंड वी फाइनली मीट. तो आप जितना हैंडसम देख रहे हो ना हमारे प्रियंक को, वो इतना हैंडसम ही है एक्चुअली. एग्जैक्टली अभी हम मिले थे थोड़ी देर पहले, नहीं बताएंगे कहाँ किधर कैसे, लेकिन मिले थे, अच्छा लगा. और I met both of them actually, and over there also we had a great conversation. And we both, like all of us, we didn't know that we'll be ending our meeting over here. So yeah, abhi stage pe dekha, like I saw DJ and I was like, man. No, we didn't tell each other where we were going tonight. Hum sab plan bana rahe the, lekin and here we are. Thank you. Ye bataiye calendar launch. कैलेंडर लॉन्च पे आप आए हैं, इस हसीन शाम के बारे में क्या कहें? इस हसीन शाम के बारे में क्या कहूँ, हसीन बीवी मेरे साथ है, हसीन दोस्त हमें मिल गए, हसीन नौजवान यहाँ पे खड़ा है, और हसीन माहौल है, यहाँ पर सारा माहौल ही हसीन है, और हसीनाओं से ग्लैस भी कुछ अलग नजर आ, वो हसीन नहीं है तो पता नहीं क्या है, बट अच्छे है. वो अनसीन है, वो हसीन नहीं, वो अनसीन है. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. गौरी मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, डब्बू रत्नानी का कैलेंडर लॉन्च है, 20 साल हो चुके हैं, आप लोग खास मेहमान बनकर यहाँ पे आए, क्या कुछ कहें? मेरे ख्याल है हम लोग को भी शायद उतना ही टाइम हो गया इनके पास आके, एक रिचुअल है हमारे लिए, एंड इट्स सो स्वीट ऑफ बोथ ऑफ देम, डब्बू एंड मनीषा दोनों हर बार दे मेक श्योर the message, the call, के you know be there and we are here, so it's a nice thing. और हर बार एक अलग अलग चीज देखने मिली, अपने मन पसंदीदा जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेज हैं
I was passing by, sorry I had to come and interrupt him. Mithu, kaise ho? Hi. Sorry I had to meet you like this, but see me soon, very soon. Yes, I finished. Okay. Priyank is also inside, huh? Bye. Take care. Priyank and Hina inside. Gauri, aap kya? Gauri, aap kya kuch kahe? मैं भी वही कहना चाहूँगी. मैंने डब्बू के साथ बहुत साल काफ़ी साल काम किया है, अभी कम हो गया है, लेकिन ये रिचुअल है हमारा कि कैलेंडर लॉन्च में हर साल अगर शूट नहीं कर रहे होते तो ज़रूर आते हैं. आप लोग मतलब आप लोगों के साथ साथ में अपीयरेंस बहुत कम होते जा रहे, बहुत कम जगह नज़र आने लगे हो आप लोग, जबकि फैंस चाहते हैं कि आप लोग साथ में नज़र आए. जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं देन वी बोथ आर वॉकिंग, तो जो हमको टाइम मिलता है फैमिली टाइम, वी लाइक टू बी एट होम विद द किड्स, तो इसलिए बाहर जाना थोड़ा कम हो गया. हाँ, तो थोड़ा मतलब जितना भी वक्त मिलता है अभी फैमिली के साथ बिताते हैं, उसके बाद में एक बार ये और बड़े हो जाएंगे उसके बाद पता नहीं इनके साथ वक्त मिले ना मिले, तो बेटर है जो इनका ये बचपन है इनके साथ बिताएं, ये चाइल्डहुड इनके लिए भी मेमोरेबल बनाएं और हम भी खुश रहें इनके साथ. तो बहुत कम समय के लिए आप लोग आए और जल्दी से जा भी रहे. जी हाँ, वो ये रीज़न ही है क्योंकि वो घर पर वेट कर रहे हैं, जब तक पहुँचेंगे नहीं सोएंगे नहीं, तो और कल स्कूल, ये इनका पहुँचना बहुत ज़रूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू सो मच. मारे चढ़ भी क्या फोटो वो आए ना उसे मार रहे थे. सर, डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पे आए हैं, 20 साल हो चुके हैं उनके कैलेंडर को, क्या कुछ कहना चाहेंगे हसीन शाम के बारे में? मुझे हमेशा उनके कैलेंडर्स अच्छे लगते हैं, हर महीना जब फोल्ड होता है तो किसी एक बहुत ही आकर्षक पिक्चर होती है बहुत ही किसी आकर्षक व्यक्ति के साथ, तो मुझे हमेशा खुशी होती है जब भी मैं उनका कैलेंडर देखता हूँ. बहुत कमाल के फोटोग्राफर हैं, सब जानते हैं, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं. सो मेरी शुभकामनाएं उनके लिए, और मैं कैलेंडर लेके जाऊंगा अपना यहाँ से. आपके बकेट लिस्ट में भी डब्बू रत्नानी होंगे कैलेंडर पे, मतलब क्या कुछ कहेंगे? मेरा वैसा फेस ही नहीं है कि जो कैलेंडर सारा महीना कोई एक आदमी देखता रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ अपने आपको अंडर एस्टिमेट कर, वहाँ बड़े बड़े जो हीरोइन है वही अच्छी लगती है. अच्छा, ये बताइए कि आपकी भारत फिल्म आने वाली है, बहुत हमने तस्वीरें देखी सलमान खान के साथ, पटाखा फिल्म आई थी जो मुझे बहुत पसंद आई, आपका बहुत अलग किरदार था, क्या कुछ बताना चाहेंगे भारत के बारे में, कितने एक्साइटेड हैं आप और अपने रोल के बारे में? मुझे पहले तो बहुत खुशी है इस बात की कि मैं भारत जैसी फिल्म का एक हिस्सा हूँ और सलमान खान साहब हैं उनके साथ मैं स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. साथ ही फिल्म जिस तरह की है, इस फिल्म में होना ही अपने आप में बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज्जत की बात है, तो मैं बहुत खुश हूँ, बेहद लकी महसूस करता हूँ कि मैं भारत फिल्म का हिस्सा हूँ. और आजकल सलमान खान के जितने भी इवेंट्स होते हैं, चाहे बर्थडे हो या चाहे घर में जाना हो कहीं जाना हो, तो आप बहुत नजर आ रहे हैं सलमान खान की फैमिली के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए. आज भी अतुल अग्निहोत्री के साथ आए हैं आप? जी, तो मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ, लेकिन जो उनकी फैमिली है वो है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, संबंध हैं, और बहुत प्यार करते हैं सब लोग. सो ऑफ कोर्स इट फील्स लाइक योर ओन फैमिली. और हाल ही में एक आप शायद घर पे गए थे तो, और कटरीना के साथ आप गले वाले मिलते नजर आए थे, वो तस्वीर काफी वायरल हुई थी आपकी. अच्छा, मेरी तो खुशकिस्मती है कि इतनी खूबसूरत कटरीना कैफ मेरे साथ खड़ी भी हो, तो बहुत अच्छी बात है. मैं बहुत ऑफकोर्स फिल्म का हिस्सा है सब लोग, तो हम लोग इकट्ठे उस दिन अली अब्बास साहब का, जफर साहब का, जो हमारे डायरेक्टर का बर्थडे था, तो बहुत मजा आया. तो अब ये बताइए कि टेलीविजन तो आप कर ही रहे हैं, कानपुर वाले खुराना हम देख ही रहे हैं, क्या आप टेलीविजन पे कम ध्यान देंगे, फिल्मों में ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आप लगातार आप फिल्मों में नजर आ रहे हैं? जी, वो एक फाइनाइट सीरीज थी कानपुर वाले खुराना, वो अब खत्म हो गई है, शूटिंग हो गई है, मतलब तो आएगा अभी शो, उसके बाद ये फिल्म ही है भारत, अभी और कोई प्लानिंग नहीं है. और रह रहे के जहन में, हालांकि ये पुराना चैप्टर हो चुका है, बहुत बहुत लोग लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है, कपिल शर्मा अब आपकी लाइफ का एक चैप्टर पुराना है, लेकिन फिर भी रह रहे के लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या आप उनके साथ काम करेंगे वगैरह वगैरह, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कोई क्या पैचअप हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे स्टेटस? मेरी हमेशा से उनके लिए शुभकामनाएं रही हैं, और मैं चाहता हूँ
वो इसी तरह लोगों को हंसाते रहें और खुश रखें और खुद खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरा तो अभी सारा ध्यान ये फिल्म भारत पे है, तो एक बार भारत हो जाए फिर आगे की सुध लेंगे क्या करना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पर? 20th ईयर है, ग्लैमरस नाइट है, क्या कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 20th ईयर है, बिकॉज एवरी ईयर ही गेट्स समथिंग इनोवेटिव एंड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द कैलेंडर शूट एंड द मेकअप, द हेयर, द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज सो गुड, सो इट्स लॉट ऑफ फन टू सी द कैलेंडर। ये बताइए कि सबसे अच्छा कैलेंडर किसका लगा? एक्चुअली सब अच्छे हैं, बिकॉज ये डब्बू रत्नानी की फोटोग्राफी है, मुझे सारे अच्छे लगे, पर मुझे सोनाक्षी सिन्हा अच्छी लगी, मुझे आलिया रियली सॉफ्ट अच्छी लगी, कार्तिक आर्यन इज गुड, AK इज गुड, अक्षय कुमार, एवरीबडी इज गुड, द फॉल फैब, शाहरुख खान, लेजेंड, लव इट। चलिए आज के आपके ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में क्या कुछ? आई थिंक दिस इज स्टाइल बाय मी, मैं जनरली अपने स्टाइलिस्ट को हायर करती हूँ, बट टुडे बिकॉज आई वॉज शूटिंग एंड आई डेंट नो वॉट टू वेयर, सो आई जस्ट रैंडमली जस्ट कैजुअली स्टाइल माई सेल्फ। अच्छा, एक आपको अगर पूछा जाए टेलीविजन इंडस्ट्री की एक गॉसिप, लेटेस्ट गॉसिप, तो क्या होगी? मुझे कुछ नहीं पता, मैं ना 12 घंटे शूट करती हूँ, तो मुझे कोई गॉसिप नहीं पता, इनफैक्ट आपके पास तो मुझे बता दो, बिकॉज आई हैव नो गॉसिप। 12 घंटे सेट पर रहने के बाद तो गॉसिप तो आपको सुनाई देती होगी। मैं भी कुछ कहना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है, आई हैव नो घंटे सेट पर रहते तो कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नो गॉसिप, ट्रस्ट मी। और क्या कुछ बताएंगे? हमने आपको संजू में देखा, बहुत ब्रीफ रोल था, आगे फिल्मों के बारे में, अगर टेलीविजन तो आप बहुत अच्छा कर ही रही हैं, फिल्मों के बारे में? फिल्म के बारे में देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स अराउंड, तो देखते हैं 2019 कैसा अनफोल्ड होता है, लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। फेवरेट सीरियल इस वक्त कौन सा है? नेटफ्लिक्स यू आर आस्किंग मी और यू टॉकिंग अबाउट एनिमल सीरियल्स? आई डोंट वॉच टीवी, अपने शोज भी नहीं देखती, हार्डली टाइम मिलता है, लाइफ ही नहीं होती है हार्डली, मैं घर आती हूँ एंड आई एम सो टायर्ड। Thank you so much. Thank you. Just some visuals he wants to take. Ronit sir. अर्जुन सर साथ में, बोला मत, बोला मत, बोले जाना जो हो रहा है। हाँ वो देखो पटेल सर, सर साथ में, थैंक यू सर। एक बार फिर से Bye bye bye।
चलिए बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस यूवी का एबीपी न्यूज पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे डब्बू रत्नानी के हसीन कैलेंडर लॉन्च पर आप लोग आए, हसीन शाम है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं उनका ऐसे जो 2019 कैलेंडर है वो मैं खुद देखने आया हूँ और इट्स अमेजिंग क्योंकि हमने रिसेंटली डब्बू के साथ शूट किया मान्यवर का एंड ही इज ऑसम, लाइक वो अपने काम में दी बेस्ट है और वो इतने ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है ना कि उनके साथ काम करने में उतना ही मजा आता है। वो हमेशा ऐसा फील कराते हैं कि वो बहुत पहले से जानते हैं, यू नो, बहुत रिलैक्स फील करवाते हैं, तो हमेशा डब्बू लाइक डब्बू अभी हमारे साथ बहुत हम बहुत क्लोज हो चुके हैं। ही इज लाइक अ फैमिली, डब्बू एंड मनीषा, दे आर स्वीटेस्ट टू वर्क विथ, स्वीटेस्ट टू बी विथ एंड इट्स बीन मेनी इयर्स एसोसिएशन एंड आई एम ग्लैड आई नो देम एंड वी बोथ आर ग्लैड नाउ बिकॉज वी ऑल्सो नाउ वी हैड फन लास्ट टाइम, वी जस्ट शॉट रिसेंटली एंड ऑलवेज हैप्पी टू बी विथ देम एंड सीइंग हिज सक्सेस लाइक दिस, लवली। आप लोगों की शादी हमने कवर की थी, एबीपी न्यूज ने कवर की थी, तो अब ये बताइए कि शादी के बाद क्या कुछ बदल गया है आप दोनों के? शादी के बाद लाइफ और अच्छी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है क्योंकि पता होता है कि अभी सिर्फ काम पे ध्यान देना है, यू नो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सो अभी हमारे साथ तो यही है, अभी हम घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं और अभी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे आने वाले हैं, तो अभी तो हमारी लाइफ में बहुत खुश है। दो तीन साल के बाद पूछना कितना प्रेशर है, अभी तक तो कोई प्रेशर नहीं है। एक्चुअली वी आर हैविंग फन, यस, ईटिंग, रोमिंग अराउंड, वॉकिंग, एवरीथिंग हैपनिंग टुगेदर। साथ साथ में आपको, आप दोनों को साथ में कहीं देख पाएंगे टेलीविजन में, फिल्म में कहीं पे? अगर कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो 100%, अगर नहीं आएगा तो हम अलग अलग काम करेंगे और सब हमें आपको देखेंगे, पर वैसे लाइफ में हमेशा साथ देखेंगे। चलिए एक चीज आप लोगों को बताने की, शादी के बाद एक चीज प्रिंस के बारे में जो आपको पता नहीं थी जो शादी के बाद पता चली। That he loves me so much, I didn't know. इतना प्यार शादी के बाद पता चला। हाँ, इतना ज्यादा प्यार, यू नो, there's a difference when you are a girlfriend, that is different feel altogether. But when your wife, उसका feel ही different होता है, you know, your partner's attitude changes. So that's lovely. आपको बताना है क्या कुछ पता चला शादी के बाद? Actually, that ये मेरी खेल पहले ही बहुत करती थी, पर अभी ऐसा क्यों है, डे नाइट शूट कर रहा हूँ रोडीज के लिए, अपने सिंगल ट्रैक्स के लिए और इवेंट्स के लिए, तो मैं, मेरे को सोने को नहीं मिल रहा काफी, एक पूरा महीना ही हो गया एटलीस्ट। पर अब जब भी मैं घर आता हूँ एक दिन के लिए, तो आने से पहले फटाफट खाना रेडी होता है, कुक्स को हटाकर खुद लग जाती है बनाने के लिए एंड मुझे पता है कि मैं सोने वाला हूँ, तो पहले मुझे खाना खिला दिया और फिर तो वो केयर वो शादी के बाद और बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।